आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द पीएच ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज केएसपी ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। तो हमें क्या दिया है? पीएच दिया है इस सॉल्यूशन का और हमें उसका केएसपी निकालना है। तो केएसपी हमारा क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। और ये क्या होता है? अगर आपके पास अब यहाँ पे क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर ये आपका, इसकी हम रिएक्शन लिखें, जब ये सोल्यूबिलाइज होगा किसी भी सोलवेंट में, तो ये क्या होगा? डिसोसिएट होगा Ca2 पॉजिटिव आयंस में और 2 OH नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो आपका जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो इसमें क्या होगा? कैल्शियम आयन के आपके कितने कॉन्सेंट्रेशन है और OH माइनस आयन की कितने कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी पावर क्या होगी, इसका स्टोचियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो ये तो 1 है, यहाँ पे क्या जाएगा? 2। तो ये होगा आपका KSP। अब हमें क्या चाहिए? हमें कॉन्सेंट्रेशन, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सोल्युबिलिटी, इसकी सोल्युबिलिटी चाहिए। तो अगर इसकी सोल्युबिलिटी S है, लेट कर लेते हैं, तो इसकी क्या होगी? 2S होगी। ठीक है, क्योंकि इसके 2 आयन्स हैं, इसका एक ही आयन है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो KSP होगा वो हमारा क्या होगा? S इंटू 2S का स्क्वायर, जो कि हमारा आ जाएगा क्या? 4S³। ठीक है, तो KSP इसका 4S³ होगा। अब हमें क्या करना है? S की वैल्यू देखनी है कि क्या होगी सोल्युबिलिटी की वैल्यू। ठीक है, तो जो सोल्युबिलिटी होगी वो क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगी। तो हमें क्या चाहिए अब? कैल्शियम या फिर OH की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो OH नेगेटिव की हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें pH दिया है सोल्यूशन का। तो pH दिया है, तो इसका मतलब pH अगर आपकी 9 है, तो इसका मतलब POH आपकी क्या होगी? 14 माइनस 9 मतलब कि 5। तो POH आपको दे दी 5। तो POH आपकी क्या होती है? नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो वो आपको 5 दी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप क्या करो, OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन निकालो, तो सबसे पहले तो नेगेटिव उधर लेके जाएंगे तो -5 हो जाएगा, और जब हम लॉग को हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? 10^10 में। तो आपके पास आ जाएगा OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10^-5। ठीक है, तो 10^-5 आ गई आपकी OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन। अब जो ये वैल्यू है OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये पूरी OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी है? 2S की। तो हमारे पास 2S की वैल्यू आ गई क्या? 10^-5, जो कि आपकी टोटल कॉन्सेंट्रेशन होगी OH नेगेटिव आयंस की। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप S की वैल्यू निकालोगे तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? 1/2 × 10^-5। ठीक है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, तो हमारे पास आपकी क्या आ जाएगी? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो 4 × S की हमारी क्या वैल्यू आई है? 10^-5 / 2 का क्यूब। ठीक है, तो अगर इसको हम सोल्व करें तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2, तो 1/2 × 10^-15। ठीक है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 × 10^-15। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। तो इसमें है आपका सेकेंड ऑप्शन, तो इसका आंसर हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।